हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि छठ पूजा में घर आने के लिए कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली से छपरा आने के लिए कौन कौन सी ट्रेन चलाई गई है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ट्रेन है, कब कब खुलने वाली है, कौन कौन से उसमें बर्थ है, यानी कि जनरल है कि आरक्षित है कि क्या है, सभी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबाएं ताकि फिर कोई नई ट्रेन चले तो आप सभी को मैं सबसे पहले बता सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि छपरा से दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलेंगे, लगेंगे उसमें 22 कोच। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर रेलवे छपरा जंक्शन से दिल्ली के बीच रेलवे प्रशासन ने छठ पूजा पर्व पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन 3 ट्रिप में चलाने की घोषणा की है। इसकी जानकारी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि सभी कोच आरक्षित होंगे, यानी कि सभी कोच जितने भी होंगे सभी स्लीपर के होंगे तथा इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि 4482 ट्रेन नंबर है जो दिल्ली से छपरा तक जाएगी। यह ट्रेन 12, 15 एवं 18 नवंबर को 3 ट्रिप में चलेगी। यह ट्रेन दिल्ली से 12 बजे प्रस्थान करेगी, मुरादाबाद से 15:33, बरेली जंक्शन से 16:57, सीतापुर जंक्शन से 20:50 छूटकर दूसरे दिन गोरखपुर से 1:25 छूटकर छपरा 4:30 पर पहुंचेगी। तो फ्रेंड, आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि कब कब यह ट्रेन खुलेगी। चलिए एक बार फिर मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो ट्रेन चलाई गई है उसका ट्रेन नंबर है 4482। यह ट्रेन दिल्ली से छपरा जंक्शन तक आएगी। यह ट्रेन 12, 15 एवं 18 नवंबर को 3 ट्रिप में चलेगी। यह ट्रेन दिल्ली से 12 प्रस्थान करेगी, मुरादाबाद से 15:33 पर, बरेली जंक्शन से 16:57 पर, सीतापुर जंक्शन से 20:50 पर छूटकर दूसरे दिन गोरखपुर 1:25 पर छूटकर छपरा सुबह 4:30 पर पहुंचेगी। तो फ्रेंड, इस तरह से आप लोग पूरी जानकारी समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिर कोई नई ट्रेन चलेगी तो मैं आप सभी को सबसे पहले ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड, आज के इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।